न्यूमेरिकल्स में मैंने थ्योरी करवा दी, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहाँ से करनी है फ्रॉम एनसीईआरटी बुकलेट हो गया। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल देखें प्लीज, ये पहला न्यूमेरिकल है। बस एक हिंट याद रखें, अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में पड़ा है तो रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयरर, अगर रेयरर में है तो रेयरर टू डेंसर। आपका पहला काम यही है कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में पड़ा है, आपका आधा काम तो वही सॉल्व कर देगा, फॉर्मूला कौन सा लगाना है पता लग जाएगा। देखो तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, फिगर शोज सॉलिड ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ग्लास है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दैट हैज अ स्मॉल एयर बबल ओ ट्रैप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर सी। तो सेंटर सी से, दो ध्यान से, सेंटर सी से ये बबल ट्रैप्ड है। सेंटर से हम डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं, पोल से, ये पोल है। तो अगर रेडियस इसका 5 है, सेंटर से इसकी दूरी 2 है, तो पोल से इसकी दूरी कितनी है, 3 है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कहां पर ट्रैप्ड है, रेयरर में कि डेंसर में, डेंसर में। तो रिफ्रैक्शन विल बी फ्रॉम डेंसर टू, क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेयरर में है, तो रेज ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, डेंसर से रेयरर में जाएंगी। तो फॉर्मूला पता लग गया डेंसर टू रेयरर का। अब वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फाइंड एपरेंट पोजिशन ऑफ द बबल। तो ये बंदा अगर देखता है तो बबल उसको कहां नजर आता है। तो काफी लोग ये सोचते हैं कि रे डायग्राम पहले बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। रे डायग्राम कभी पहले नहीं बनता, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। आपको सिर्फ ओ पता है कि ओ की दूरी पोल से 3 सेंटीमीटर है बस। अब रे ऑफ लाइट जा कहाँ रही है, रे ऑफ लाइट यहां से निकल के इधर जा रही है, तो डायरेक्शन रेज की इधर है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर -3 होगी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है, और रेडियस भी यहां पर -5 होगा क्योंकि इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, रेज इधर जा रही है और हम डिस्टेंस ऑपोजिट मेजर कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट क्योंकि डेंसर में है तो रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयरर है। डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला लिख लिया, छोटे वाला एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ग्लास का 1.5 है, यू इसमें नेगेटिव है, आर इसमें नेगेटिव है। जो निकालना है, वी निकालना है, वी में साइन कन्वेंशन पुट नहीं करना, वो विद ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन आएगा माइनस के साथ, क्योंकि इसमें नेगेटिव है तो इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, तो वर्चुअल इमेज -2.5 पे यहां बनेगी। तो रे डायग्राम पूछेगा नहीं आपसे बनाने को कभी भी, बट आपको बता रहा हूं कि इमेज की डिस्टेंस कैसे आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है, तो वी -2.5 है। समझ में आ रहा है यहां तक? अब पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि जब हमने डेरिवेशन कर ली, उसमें फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन पुट कर लिए, हम फिर से साइन कन्वेंशन क्यों पुट कर रहे हैं? इसमें तो ऑलरेडी थ्योरी में करके आए हैं साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज कर दी, दो बार कर दी, राइट? अब प्रॉब्लम ये है, साइन कन्वेंशन इसलिए बनाई गई ताकि हम तीनों केस को डिफरेंशिएट कर सके, पर प्रॉब्लम क्या हुआ, साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद फॉर्मूला सेम बन गया। उनको फिर तीन केस को डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से तीनों में क्या यूज करनी पड़ेगी, अलग अलग साइन कन्वेंशन, नहीं तो आंसर सेम ही आता जाएगा। रियल वर्चुअल में आंसर डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो आपने न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन को लगाना है। ठीक है यहां तक? ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेट्स एयर फ्रॉम ग्लास, तो एयर और ग्लास को सेपरेट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्लास में है, पॉइंट ऑब्जेक्ट पी इज प्लेस्ड इनसाइड द एयर। देखो इंपॉर्टेंट है, पी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कहां पर पड़ा हुआ है, एयर,
तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो ऑब्जेक्ट अगर एयर में पड़ा है तो रेज कहां से कहां जाएंगी, रेयरर से डेंसर। तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्लियर है क्या लगेगा इसमें, ये डायग्राम ना आपको ऑलरेडी गिवन है, गिवन ही है इसमें। वो कह रहा है कि इसके अंदर रियल इमेज बनती है और रियल इमेज कहां बनती है, ऑन दी अदर साइड बन रही है। तो P ऑब्जेक्ट है और Q इसकी इमेज है। वो ये भी मेंशन कर रहा है कि PQ कट सरफेस एट पॉइंट O, PQ ने इसकी सरफेस को कट किया पॉइंट O पे, सच दैट PO इज OQ, यानी कि जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की है उतनी दूरी यहां पर इमेज की है, ये गिवन है। आपको बताना है इसमें आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ये बताना है। अब मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट पड़ा कहां पर है, एयर में, रेज कहां जाएंगी, डेंसर में। तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। छोटे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, बड़े वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। म्यू वन म्यू टू पता है, ठीक है यहां तक। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से एक्स है, तो इमेज की दूरी भी यहां पर एक्स है, बराबर है। तो ऑब्जेक्ट के लिए पुट करेंगे माइनस एक्स, तो इमेज के लिए ऑन दी अदर साइड क्या पुट करेंगे, प्लस एक्स। और आर तो आपको गिवन ही है, तो इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे, u की जगह माइनस एक्स, v की जगह x, सॉल्व करेंगे तो x इन टर्म्स ऑफ r आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की दूरी है माइनस फाइव आर, तो इमेज की दूरी है प्लस फाइव आर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है, देखने में बड़े न्यूमेरिकल है, अंदर कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है वही आपको हिंट सब कुछ दे देगा। जैसे ये देखो, वॉट कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू बाउंडिंग सरफेस। कर्वेचर क्या होता है, आर। तो क्या निकालना है, आर। रिफ्रैक्टिंग मीडियम म्यू इज इक्वल टू 1.5 फॉर अ वर्चुअल इमेज। हिंट दे रहा है भाई, इमेज वर्चुअल है, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एडजेसेंट मीडियम एट 10 सेंटीमीटर टू बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। मतलब कह रहे वर्चुअल इमेज बनानी है किसकी, किसी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 1 में, यानी कि रेयरर में। इसका मतलब रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। और कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, 10 पे, और इमेज कहां पर बनानी है, 40 पे। तो रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक 1 है, एक 1.5 है। फॉर्मूला लिख लिया, यू और वी दोनों नेगेटिव है क्योंकि वर्चुअल इमेज साफ दे ही रहा है, बात ही खत्म। क्या निकालना है, आर। आर निकाल लेना, प्लस में आ रहा है तो आप साइन कन्वेंशन चेक करना। वर्चुअल इमेज में अगर यू और वी नेगेटिव है और आर पॉजिटिव है तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो आंसर कन्वेक्स है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट देखो, बस ये आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव है। कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस म्यू इज 1.5, म्यू टू गिवन है, म्यू 1 है। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज 20, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है, एयर में, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो वो केस आइडेंटिफाई करो, रेयरर टू डेंसर में कनकेव में यू नेगेटिव था, आर नेगेटिव था, म्यू 1 म्यू 2 पता है आपको, वी बताना है। तो फॉर्मूला लगाओ रेयरर टू डेंसर का, साइन कन्वेंशन पुट करो, वी रहने देना, वी ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आएगा, पता ही था कनकेव में वर्चुअल बनती है तो वी तो नेगेटिव आना ही है। समझ में आ रहा है यहां तक,